वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ धुआं गोश्त, जो बनेगा सरसों के तेल में और उसको धुआं लगेगा कोयले का। ठीक है, इसके लिए मुझे क्या क्या चाहिए? इसके लिए मुझे चाहिए मटन लिया है मैंने, बोनलेस लिया है। ये 2 किलो के करीब है मेरे पास। दो छोटे छोटे क्यूब्स मैंने काट लिए हैं, क्योंकि हड्डी वाला इसमें अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए मैंने बोनलेस लिया। आप इसे चिकन में भी ले सकते हैं, बीफ में भी ले सकते हैं। उसके बाद मुझे चाहिए दही, मेरे पास 2 प्यालियाँ हैं। 2 किलो अगर मेरे पास गोश्त है तो मेरे पास 2 प्यालियाँ इसमें दही की हैं। ठीक है, उसके बाद मुझे चाहिए इसमें हरी मिर्चें चाहिए पीसी हुई, हरा धनिया चाहिए मुझे आधी गटी, कोयला चाहिए। उसके बाद मुझे ये लाल मिर्च पाउडर चाहिए, 2 मेरे पास टेबल स्पून है। खसखस चाहिए, मैंने 2 चम्मच बड़े जो है ना इसको ओवरनाइट जो है ना इसको मैंने भिगो दिया है, तो ये अपनी से डबल हो गई है साइज़ में। उसके बाद गरम मसाला है मेरे पास। उसके बाद ये सूखा धनिया पिसा हुआ है, हल्दी पाउडर है, नमक है 1.5 टेबल स्पून, 2 टेबल स्पून मेरे पास अदरक लहसुन पेस्ट है, और सरसों का तेल है। अब इसको पहले, और ये प्याज है मेरे पास 3 अदद बड़े साइज़ के हैं। अगर छोटे साइज़ के हैं तो आप 5-6 अदद ले सकते हैं, ये मेरे पास बड़े साइज़ के हैं। इसको अब मैं आपको बनाने का तरीका बताती हूँ। दही लिया मैंने, एक मैं जग में इसको दही डाल रही हूँ सबसे पहले। अब इसके अंदर जाएंगे प्याज, इसको हमने मैरिनेशन बनाना है गोश्त के लिए। साथ में इसके अंदर जाएंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, सूखा धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, नमक। अभी मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह। बैटर हमारा तैयार है, इसको हम मैरिनेट करेंगे मटन को। अब पहले इसमें जाएगा थोड़ा सा, 2 से 2.5 चम्मच हमारा इसमें जाएगा खसखस, जिसे मैंने ओवरनाइट भिगो के रखा था। तो हल्के हाथों से मैरिनेट कर लूँगी 10 मिनट के लिए। मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। अब इसमें जाएगा सरसों का तेल, मैंने पूरी एक भर के प्याले लिए। इसको अच्छी तरह हम मैरिनेट करेंगे। मैरिनेट होने के बाद हम इसको चूल्हे पर चढ़ा देंगे। जी तो फिर एक पैन लिया हमने, मैंने कि नीचे लगे ना। ठीक है, अब इसके अंदर मैं, ये पैन गर्म हो चुका है, इसमें मैं डालूंगी मैरिनेट हुआ हुआ मटन, इसको सारा डाल देंगे। तो फिर ये देखें, इसको अच्छी तरह से मिक्स करके, तो अब इसमें मैं थोड़ा सा पानी डाल के, इतना पानी डाल देंगे 1 कप 2 कप, कि ये हमारा गोश्त गल जाए सारा अच्छी तरह। प्लस मैं हरी मिर्चों का पेस्ट, पानी 1.5 कप के करीब मैंने पानी डाल दिया, और उसको हम अब इसको हम ढाम के कोई 15 से 20 मिनट के लिए रख देंगे कि गोश्त गल जाए। ये मटन का पानी खुश हो चुका है, थोड़ा थोड़ा रह गया, इसमें घी आता है, तो इसको फिर तड़का लगाएंगे हम जीरे का और प्याज का। ये देखें पानी खुश हो चुका है इसका, अब इसकी तड़के की तरफ आएंगे हम। तड़के के लिए हमने एक पैन लिया, इसमें जाएगा घी, 3 से 4 टेबल स्पून मेरे पास घी के हैं। घी गर्म हो चुके हैं, अब इसमें जाएगा प्याज और ज़ीरा, और साथ में मैंने कोयले को आंच पे रख दिया है, प्याज अब इसमें जाएगा ज़ीरा, हरा धनिया थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे, थोड़ा गार्निश कर लेंगे। जी तो फिर ये हमारा ब्राउन हो गया प्याज, तो मैं इस पर तड़का लगाऊंगी। फिर ये तड़का लग गया, अब मैं इसके अंदर रखूंगी फॉइल पेपर, क्या आप ब्रेड का पीस भी रख सकते हैं। ये मैंने नीचे तवा रखा है दम वाला, अब हम ये दहकता हुआ कोला इसमें रख देंगे।
इसके ऊपर हम थोड़ा सा घी डालेंगे। ये अब मैंने ढक्कन रख दिया है, अब इसको 10 से 15 मिनट के लिए हम इसी तरह दम पे रखेंगे। इसकी स्मोक जो ये 10 मिनट हो चुके हैं, ये मैं ऊपर से फॉइल पेपर उतार लूँगी। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसको मैं सर्विंग डिश में डालूंगी और आपको मैं फाइनल लुक इसकी बताती हूँ। हमीरी रोटी रायते के साथ सर्व किया है। अगर आज की आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मेरा लाइक करना ना भूलिएगा और आगे शेयर करना भी बंद भूलिएगा। मेरी नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए अल्लाह।